हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव नारी में। फ्रेंड, अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो इस गर्मी से बचने के लिए, अपने हेल्थ को केयर करने के लिए ये पुदीना का हम शरबत शेयर करेंगे। तो ये पुदीना आप लोग जानते हैं, सभी आदमी जानते हैं कि ये पुदीना है। इसका चटनी बहुत फ़ायदेमंद होता है, सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसमें बहुत सारे गुण है और इसका चटनी या शरबत पीने से शरीर में बहुत ही फायदा होता है, बहुत तरह की बीमारी भी ख़त्म होता है। तो चलिए हम इसका शरबत शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो चलिए फ्रेंड, आज हम ये शरबत इसका बनाना शुरू करते हैं, पुदीना का। तो ये पुदीना का शरबत हम बनाएंगे जो आपको पसंद आएगा और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगेगा, तो आप लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पुदीना जो है, से पुदीना को पहले धो लीजिएगा। धोने के बाद इसको मिक्सी में हो या सिलौट पर हो, जैसे भी आपको सुविधा मिले वैसा ही आप इसको पीस लीजिएगा पहले, ठीक है। इसको अलग से पीस लीजिएगा क्योंकि हम ये शरबत बनाएंगे, तो ये शरबत है तो आप रख कर 8 दिन भी पी सकते हैं, तो अलग अलग हम इसको तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा सौंफ लीजिएगा, सौंफ को भूंज लीजिएगा। भूंजने के बाद आप उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हम इसमें चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं, ये मिश्री है। तो ये मिश्री में देखिए, ये डोरा मिश्री है, देखिए इसको कहा जाता है डोरा मिश्री, जो कि पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और डोरा मिश्री और सौंप आप ऐसे भी खाइएगा सुबह में, तो आपके लिए गैस कुछ नहीं बनता है, इससे गैस के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। देखिए, तो सौंप को भूंज लीजिएगा। भूंजने के बाद मिक्सी में आप सौंप पहले उसमें पीस लीजिएगा, उसके बाद उसमें ये डालिएगा, ये डालकर उसको पीस लीजिएगा अच्छा तरीक़े से, तो एकदम मही हो जाएगा। तो फ्रेंड, दोनों मिला के तो देखिए, हम यहाँ इसको पीस लिए हैं, ये पुदीना पीस लिए हुए हैं। देखिए देखिए, ये बहुत मज़ेदार इसका शरबत बनता है। देखिए, बहुत टेस्टी लगता है पीने में। देखिए कितना अच्छा ये पिसाया है, एकदम मेही बारीक पिसाया हुआ है। तो इसको छानिएगा नहीं, शरबत बनाइएगा तो इसको छानिएगा नहीं। देखिए, इसको हम पीस के रख लिए हैं। अब देखिए, हम यहाँ ये जो है, ये डोरा वाला मिश्री है और इसमें सौंफ थोड़ा सा भूंज कर इसको दोनों के हम पीस लिए हैं। ये देखिए, ये पाउडर बना लिए हैं। तो अब हम शरबत बनाकर आपको बता रहे हैं कि 1 गिलास शरबत में बनाइएगा तो कितना डालिएगा चीनी, कितना डालिएगा उसमें पुदीना। तो ये आपको हम ये पूरा बता देते हैं। तो देखिए, 1 गिलास जो है, 1 गिलास आप शरबत बनाइएगा तो उसमें जो पीसा हुआ पुदीना है, तो इसको आप मात्र 1 चम्मच दीजिएगा इसमें, 1 चम्मच दीजिएगा, ज़्यादा नहीं दीजिएगा क्योंकि पुदीना थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है। 1 गिलास में 1 चम्मच दीजिएगा। उसके बाद उसमें जो चीनी देना है आपको, तो इसमें देखिए, सौंफ और मिश्री है, देखिए कितना अच्छा से तैयार हुआ है। तो इस सौंफ को जो है, 1 गिलास में आप इस बड़ा चम्मच से दीजिएगा, तो इसमें कम से कम 1.5 चम्मच आप दीजिएगा, तो आपको पीने में बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत टेस्टी बनेगा शरबत। आपके घर में बच्चों लोग है, वो बच्चा लोग भी बहुत मज़े से पिएगा। ये थोड़ा सा इसमें एक काला नमक मिलाएंगे, तो काला नमक मिलाने से फ्रेंड बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। देखिए, एकदम हल्का सा मिलाएंगे इसमें। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो देखिए यहाँ, 1 गिलास इसमें ये नॉर्मल पानी मिला रहे हैं हम।
ये नॉर्मल पानी से अभी हम तैयार करेंगे। अब इसको हम इसमें मिला देंगे। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, एकदम कलर भी कितना अच्छा लग रहा है इसका, बहुत प्यारा ये शरबत बनकर तैयार होता है, बहुत टेस्टी लगता है पीने में। आप बना कर देखिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा लगेगा और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें पुदीना है, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। आपको कहें सौंफ है, सौंफ भी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नींबू है, नींबू भी बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए दो बूंद अब नींबू मिला लेंगे इसमें, फिर इसको हम मिला देंगे। इसको नॉर्मल पीना है तो आप नॉर्मल भी पी सकते हैं, थोड़ा सा इसमें बर्फ़ मिला दीजिएगा ठंडा, तो ज़्यादा आपको पीने में मज़ा आ जाएगा। देखिए इस तरह से, आपके पास बर्फ़ का सुविधा हो तो मिला सकते हैं, नहीं हो तो भी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनेगा ये, आप पीने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए अब इसको आप पुदीना से सजा दीजिए, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सजने के बाद। देखिए तो फ्रेंड, ये शरबत का रेसिपी आपको अच्छा लगा हो और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये टेस्ट आपको कैसा लगा आप बताइएगा। टेस्ट आपको अच्छा भी लगेगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगेगा वो भी बताइएगा, क्योंकि ये पेट के लिए और गर्मी को से राहत दिलाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका शरबत बनाकर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ।